हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स पर एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। यह सेशन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। आचार संहिता के बाद आने वाली है राजस्थान में पांच बड़ी भर्तियां। कौन सी भर्ती कब तक आने की संभावना है और कितने कितने पदों पर साथियों आपकी वैकेंसी आने वाली है, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको इसी सेशन में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए साथियों अपना जो टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं साथियों उपेन्द्र यादव जी की ओर से एक यहां पर ट्वीट किया गया था, और वो ट्वीट क्या था इनका कि आचार संहिता में रुकी पड़ी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करवाने को लेकर डिप्टी सीएम श्रीमती कुमारी दिया जी से सचिवालय में युवाओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की है, और आचार संहिता हटने के बाद 4 जून के बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया भी यहां पर शुरू कर दी जाएगी, जो एक बहुत बड़ी अपडेट साथियों उन अभ्यर्थियों के लिए, उन तमाम साथियों के लिए है जो यहां पर काफी दिनों से यहां पर नई वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आपके जून माह में जैसे आपके साथियों आचार संहिता हट जाती है, तो उसके तुरंत बाद आपको यहां पर जून माह में लास्ट तक आपको बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी भर्ती हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो यदि मैं बात करता हूं साथियों सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट ग्रेड के बारे में, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी लंबे समय बाद आपको देखने को मिलने वाली है, और लगभग साथियों वैसे पद तो आपके बहुत ज्यादा रिक्त हैं, लेकिन हम मान सकते हैं यहां पर 10,000 प्लस पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ यहां पर आपके सेकेंड ग्रेड के भी आपकी ये भर्ती देखने को मिलने वाली है, और वैसे आरपीएससी ने अब नई 6 भर्तियां जो आपके साथियों उनका भी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया आपका 2025 का, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है नई भर्ती आपकी, ये भी आपका साथियों जून में ही मान के आप चल सकते हैं, जून तक आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां पर भी लगभग इसमें आपके 15,000 के समथिंग आपको साथियों पद इसमें देखने को मिलने वाले हैं, 15,000 प्लस पद आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा और यहां पर मैं बात करता हूं साथियों, तो आपके थर्ड ग्रेड की भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। अब यहां पर जो थर्ड ग्रेड की आपकी वैकेंसी है, इसमें थोड़ा साथियों एक असमंजस चल रहा है, और वह असमंजस आपका पेपर को लेकर चल रहा है कि यहां पर इसका एक पेपर कराएं या फिर आपका दो पेपर, कौन सा पैटर्न भी आपका बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो इसको लेकर भी आपका थोड़ा संशय चल रहा है साथियों। और पूरी उम्मीद जो है फिलहाल की स्थिति में जो आपकी भर्ती होगी वो आपका पुराने पैटर्न के आधार पर होगी, और जो नया पैटर्न अपनाया जाएगा शायद जहां तक साथियों वो आपके नेक्स्ट भर्तियों में अपनाया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 भर्तियां तो आपकी हो जाती हैं। इसके अलावा जल्दी आपको यहां पर एसआई की भर्ती भी साथियों देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है लास्ट भर्ती आपके बहुत 4 से 5 साल आपको हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद पटवारी की भर्ती भी आपको पता है साथियों, जो आपकी नई सिटी में यहां पर पटवार भर्ती आने वाली है, और नई सिटी के आपके फॉर्म जो है वो भी आपके जून में स्टार्ट हो जाएंगे, और जिनका आपका सितंबर और अक्टूबर में आपका पेपर है। तो ये बहुत बड़ी साथियों 5 भर्ती आपकी थी जो आपके जल्दी आने वाली हैं, ठीक है। तो सभी साथी आगे के अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके अपडेट आगे जैसे जैसे आती जाएगी आपको वो सारी अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपका कमेंट है साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।